क्या हुआ? काटना ऊपर चढ़ के काटो भैया, ट्रक फंसी थी, खुल गई क्या? बन गई, निकल जाएगी गाड़ी अब? तो ये आगे यही वाला मोड है जहाँ पे एक ट्रक ब्रेकडाउन हो गया था जिसके कारण ट्रेलर निकल नहीं पा रहा था। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू YouTube। और आज हम लोग जा रहे हैं रायगढ़, जो जगदलपुर से करीबन 550 किलोमीटर की दूरी में है। फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं बस्तर में और हम लोग की जो रोड ट्रिप की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है, सारे सामान पैक्ड हैं। आज हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं अर्नब गांगुली और कौशल बाबा। तो फिलहाल आज भाई लोग बस्तर आए हुए थे, काफ़ी दिन से यहाँ थे, करीबन 11 दिन हो गया उनको यहाँ पर, और आज फाइनली हम लोग उनको साथ में लेके हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। सो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे केशकाल, पहले पड़ेगा कोंडा गांव, केशकाल, कांकेर, कांकेर के बाद आरंग होते हुए हमारे एक फ्रेंड है रचित, वो भी मिलेगा आज। अभी तो कोंडा गांव है, अभी और बहुत सारे अभी तो पिक्चर बाकी है मेरा, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी हम लोग कोंडा गांव क्रॉस किए हैं और कोंडा गांव के जस्ट बाद वहां का जो टोल नाका है वहां पहुंचे हैं। और आपको मैं दिखाता हूं कि जब गाड़ी में फास्ट टैग लगा हुआ है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो ब्रेकर होते हैं ना, इसकी टेंशन बहुत होती है। सो ये हमारा आ गया दूसरा टोल, टुडुंग टुडुंग टुडुंग, रीड कर मेरे भाई, रीड कर लिया मेरे भाई। तो दोस्तों सुसु ब्रेक हुआ है अभी हमारा, हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर हो चुका है। और 100 किलोमीटर में तो आदमी को उतर के सुसु कर ही लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, टैंक भर लेना चाहिए। केशकाल पहुंचे हैं और केशकाल घाटी यहां से बस स्टार्ट होती है। पूरी घाटी में जाम लगा हुआ है, प्रॉब्लम ये हुआ है कि नीचे में एक ट्रक ब्रेकडाउन हो गया है ठीक मोड़ के बीच में। क्या हुआ? काटना ऊपर चढ़ के काटो। दोस्तों लगभग एक घंटा हो चुका है और यहाँ जाम अभी हटने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं कहाँ ले जाओगे, उधर वहाँ ले जाओ, वहाँ 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 रखो। ये ट्रक अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, ये ट्रक को निकालवाना है। अरे यार उसमें डालो, उसमें पूरा अंदर डालो, वो पूरा उसमें, वो वाले में वो जगह डाल दो ना। मेरे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, इमरजेंसी केस है और मैं उसको साइड भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लेफ्ट में भी इधर घाटी है और राइट में तो आप देख ही रहे हैं। आई एम रियली प्रेइंग कि जो भी बंदा है बंदी हो ठीक रहे। कांट हेल्प, आप भी प्रे करिए कि ठीक रहे वो। फाइनली एक घंटे के बाद जाके जाम खुला है, निकल रहे हम लोग। भैया ट्रक फंसी थी, खुल गई क्या? बन गई, निकल जाएगी गाड़ी अब? तो ये आगे यही वाला मोड है जहाँ पे एक ट्रक ब्रेकडाउन हो गया था जिसके कारण ट्रेलर निकल नहीं पा रहा था, फाइनली जाम खुल गया, अब अपन निकलते हैं, भगाते हैं गाड़ी। अभी ठीक है ना तबीयत? ठीक है ना। रायपुर लेके जा रहे हैं। क्या? तो गाइस अभी हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए, खाना हम लोग पप्पू ढाबा में खाए, खाना बहुत टेस्टी यहाँ का। कभी भी आप रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहे हैं, यदि आपको लंच करना है, डिनर करना है, तो नो बेटर प्लेस देन दिस। आप माकड़ी ढाबा में भी जाके खाना खा सकते हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत कॉस्टली है, जैसा मतलब हम लोग को लगा इकोनॉमिकली वहाँ का खाना बहुत महंगा है, और टेस्ट वाइज और कॉस्ट वाइज पप्पू ढाबा इज द बेस्ट। चरामा
तो अभी हम लोग धमतरी पहुंच गए हैं। धमतरी से हम लोग जा रहे हैं क्रूद, उसके बाद आरंग होते हुए रायगढ़। श्री शिव मंदिर के सामने खड़े हैं और 12 बज चुके हैं अभी। सो इट्स टाइम टू सी ऑफ अपने कौशल पाजी को और अर्नब को मैं छोड़ने जाऊंगा अभी। सो बहुत बढ़िया रहा हम लोग का बस्तर का ट्रिप, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत यादगार लम्हे और बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज के साथ, थैंक्स के साथ हम वापस पहुँचे हैं। जो कल तो मेरे चैनल में जो कल आ जाएगा कौशल भाई के चैनल में, मेरे में भी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय 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 बाय। क्लोज़ कर दिया आप तो यार, ठीक है तो हो गया। चलो चलते हैं, मिलते हैं, चलो मिलते हैं, बढ़िया ट्रिप।